गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 फिजिक्स वीडियो विच इज़ अवर पार्ट 13. स्टूडेंट, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन विच इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर एंड वी सी सम क्वांटिटीज लाइक स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम न्यू टॉपिक्स. सो फर्स्ट वी रिवाइज इट अगेन. स्टूडेंट, एक बार हम क्लियर कर लेते हैं दोबारा कि व्हाट इज मोशन. मोशन क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग मोशन वी डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज लाइक रेस्ट एंड मोशन. द स्टूडेंट, व्हाट इज रेस्ट? लाइक एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू अ फिक्स पॉइंट विच इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट इन द सराउंडिंग. सो इट इज़ नोन एज रेस्ट. सो स्टूडेंट, व्हाट इज रेस्ट? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजिशन पे स्टिल है, इट डजेंट मूव, इट डजेंट शो एनी मूवमेंट एंड इट इज फिक्स्ड टू एंड इट इज फिक्स्ड विद इट्स रेफरेंस पॉइंट विद पैसेज ऑफ टाइम. टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा, वो स्टिल अपनी पोजिशन पे फिक्स है विद इज रेफरेंस पॉइंट, इट इज़ नोन एज रेस्ट. लाइक इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन अ बोर्ड, मैं तो स्टिल अपनी जगह स्टिल अपनी पोजिशन पर स्टिल हूँ, बट माई बो हैंड इज इन मूवमेंट बट माई बॉडी इज स्टिल. सो आई एम एट अ रेस्ट पोजिशन. लाइक वेन आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, सो आई एम माई बॉडी इज एट रेस्ट बट माई बॉडी इज अ रेस्ट विथ फिक्स पॉइंट. मैं अपने फिक्स पॉइंट पे फिक्स्ड हूँ एंड आई एम डजेंट मूविंग एनी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, सो इट इज़ नोन एज अ रेस्ट. से नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मोशन. सो स्टूडेंट, व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली विथ रेफरेंस टू फिक्स पॉइंट टेकन एज अ रेफरेंस इन द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी जो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली मूव हो रही है, सो दैट इज़ इन मोशन एंड बोथ टर्म द रेस्ट एंड मोशन आर इंटर रिलेटेड. वी ऑलरेडी डिस्कस इट. फर्स्ट मोशन, लाइक समवन इज वॉकिंग, सो इट इज़ इन मोशन. द बॉल व्हेन यू थ्रो इट, इट इज़ इन अ मोशन. ड्राइविंग अ कार, when a person is driving a car, so car is in motion because it changes its place with time. The earth which continuously moves on its rotation, it is also in a motion. So how they both are interrelated, humne example li thi jaise earth aur human being. Earth jo hai wo apni place pe continuously move kar rahi hai, so the earth is in motion but we are sitting on a bed on a chair, so our body is at rest but earth is continuously moving, so both are interrelated. Like when we riding a bicycle or riding a car, our body is at rest but the car is continuously moving, so the car is in motion because it changes its positions with time but the body is at rest because it's sitting on a seat. Same as riding a bicycle, your feet is at rest but your hands are in motion because you continuously changes it with speed and bicycle is in motion. So these are both interrelated. Next we discuss some quantities like scalar and vector quantity. Scalar, students, those quantities, मैं आज आपको रिवाइज करा रही हूँ. एक स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड, मीन्स साइज बट डजेंट हैव अ डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ अ साइज. उसका साइज, वेट, किलोमीटर, मीटर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. लाइक स्पीड और डिस्टेंस. वेक्टर क्वांटिटी विच हैविंग बोथ magnitude as well as direction, जिसमें magnitude भी हो and direction भी, so it is a vector quantity. And example like displacement. And in this video we will cover the distance and displacement concepts. So first we have to know what is distance, student. Distance means concept
of distance and displacement. Before starting this concept, you have to know what is distance and what is displacement. First, distance means student कोई fixed position और कोई fixed length. Like example, जैसे school से home, आप school से घर आते हो and you go school from home and go home to school. It is your fixed distance or a fixed length which you cover daily. So it is the distance. एक दूरी तय करना जो कि fixed है. आपका school से road और road से school एक fixed distance है जिसे आप daily cover करते हो. With passage of time in equal interval and you can call it as the actual length of the path. जो actual length of the path which is travelled by a moving body in a given interval of time, it's known as distance which is travelled by the body. वो actual length, वो path जो कि किसी भी moving object के थ्रू covered हो in a given interval of time, so it is known as the distance. Example, जैसे अभी हमने लिया था, अब if someone wants to go Agra from Delhi, so it will cover a distance which is fixed like 500 kilometer, 600 kilometer. It is a fixed distance which he covers by a car, bicycle, bus. So that is the actual length which is covered by a moving body. This is known as the distance. And you can clearly understand. And student, distance doesn't have any direction, but it having a magnitude. Magnitude like kilometer, meter, centimeter. So it is a scalar quantity which having a magnitude but not a direction. And it always be positive but can't be zero. इसकी जितनी भी values होंगी वो positive होंगी. वो कैसे, अभी मैं आपको example show करूँगी through which you can easily understand. और इसकी SI यूनिट मीटर है, क्योंकि हम डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. नाउ इट इज़ अ लेंथ, अ मूविंग बॉडी कवरिंग दिस डिस्टेंस. इट इफ इट ट्रैवल्स ए टू बी, सो इट कवर्स 90 मीटर. इट कवर्स 90 मीटर इफ द डी, it moves from D to C, so it covers 60. Now पहले जो moving body है, कोई भी object, उसने cover करा A to D which is 90 meter. Then it again changes its position and stop at position C, so it covers 60 meter. So how much distance it cover? 90 meter plus 60 is equal to, it's 150 meter. So that's why the distance is always positive, because जो distance किसी भी object के through cover हो रहा है, it will always add up. So that's why distance is always positive. So what is distance, student? The actual length of the path is covered by a moving body is known as distance, जो कि एक fixed position होती है. जैसे दिल्ली टू आगरा फिक्स्ड है, एज्यूम इट्स 500 किलोमीटर एंड मूविंग बॉडी कवरिंग दिस डिस्टेंस, दिस फिक्स्ड पोजीशन, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस एंड इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, जस्ट अ मैग्नीट्यूड लाइक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर. सेम डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर. Displacement vector quantity, why? Because it having both magnitude and direction. Student, displacement means the shortest distance. कोई shortest distance which is covered by a moving body, or you can call it as the shortest distance between the initial position. And final position of the body in a particular direction, so it is known as displacement. Like जैसे अभी हम example ले रहे थे, if student goes home from school and school to home, जो actual distance है, like it's a school and it's home,
तो दैट फिक्स्ड लेंथ इट्स अ डिस्टेंस, इट इज 10 किलोमीटर और मीटर एनीथिंग. बट इफ यू कवर दिस लाइक विद अ अनदर रूट, यू स्टॉप हेयर देन हेयर, एट एवरी शॉप यू स्टॉप. Your stop is like first A stop, B stop, then C, then you reach home. So you are covering a distance, a moving body is covering a distance. But the initial position is school, initial and final position is home. So the shortest distance which is covered by a moving body, that is known as the displacement. Isme koi fixed length, it is not a fixed distance. यहाँ पे डिस्टेंस हुआ जो स्कूल से होम है वो आपका डिस्टेंस, बट जो मूविंग बॉडी उसको कवर कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, विदाउट एनी टाइम बट हैविंग सम डायरेक्शन, पहले राइट दिया फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. और उसको डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए वी टेक अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर कैलकुलेट द डिस्टेंस वैल्यू. डिस्टेंस होता है एक फिक्स्ड पोजिशन और उससे जो उस डिस्टेंस को जो कवर कर रही है बॉडी, the distance which is covered by a moving body, and you can call as the shortest distance between the initial and final position is the displacement, and it is a vector quantity. Okay, so furthermore topics we will continue in our next video, the concept of displacement and distance also. Okay.